पिंजौर डखरोग बस हादसे में घायल हुए बच्चों और बस सवारों का हालचाल जानने के लिए हलका कालका की पूर्व विधायक लतिका शर्मा पिंजौर अस्पताल में पहुंची और इस मौके पर उन्होंने इस घटना को लेकर अपनी गहरी चिंता व्यक्त की। इसके साथ ही बच्चों के परिजनों को अपनी संवेदना दी। उन्होंने कहा कि सबसे पहले इस समय बच्चों की सुरक्षा ही हमारी प्राथमिकता है। लतिका शर्मा ने बताया कि ड्राइवर की लापरवाही को लेकर यह हादसा हुआ है और जिसमें परमात्मा का शुक्र है कि बच्चे बाल बाल बच गए। उन्होंने बताया कि हरियाणा परिवहन मंत्री असीम गोयल ने तुरंत एक्शन लेते हुए ड्राइवर व कंडक्टर को निलंबित कर दिया है और हमने उनके समक्ष मांग रखी है कि स्कूली बच्चों की अधिक संख्या होने के कारण यहाँ पर इस तरह की दो बसें चलाई जाएं। इसमें जो है ना आज जो ये घटना हुई है नहीं होनी चाहिए, बच्चों की है और बहुत हम इस बात के लिए बहुत चिंतित हैं और सुबह से ही सारा स्टाफ लगा हुआ है, प्रशासन लगा हुआ है और आज ये जो डगरोग में बस पलटी और उसमें क्या कारण रहा ड्राइवर का है कुछ अभी पता नहीं लग पा रहा, क्योंकि अभी बच्चों को देख रहे हैं कि बच्चे सेफ रहे और इसीलिए 6 में यहाँ पे पिंजौर हमारे हॉस्पिटल में सारा हमारा प्रशासन ही पहुँचे, हम भी पहुँचे हुए हैं तो देख रहे हैं, उनका सांत्वना दे रहे हैं, क्योंकि कई बार घबराहट बहुत हो जाती है क्योंकि ऐसी घटना कोई सोच ही नहीं सकता और उसके साथ ही आगे 6 में जा रहे हैं जिनका इस तरह की जो सब सुविधाएं होती है वहाँ पे जा रहे हैं, फिर आगे वहाँ देखते हैं। मैडम गाँव वालों की मांग भी है कि छोटी बस है, कोई बस बड़ी करी जाए या कुछ और फैसिलिटी। देखो असल में मोरनी में ना बड़ी बस चलती नहीं है, वो एरिया बिल्कुल डगरों का हमारा लास्ट का एरिया है तो बड़ी नहीं चलती है, छोटी है उसी को डबल लगवा देंगे। आज सुबह ही हमारे पिंजौर में एक बहुत ही हादसा होते होते टला और मैं इस बात की अपनी देवी की बहुत ही शुक्रगुजार हूँ, इस बात का माँ कालका का भी सब देवी देवी का अवतार कृपा से। आज सुबह एक बस जो कि ठगरों और गोही से जा रही थी और उसमें स्कूल के बच्चे थे और ज़्यादातर उसमें सभी बच्चियाँ थी, लड़कियाँ थी और ड्राइवर की लापरवाही की वजह से वहाँ पर जो ये एकदम जो हादसा जो कि बहुत दर्दनाक होना था और बच्चा और सब बड़े सहम गए थे, बड़े दुख के साथ भरे थे और आज जब सुबह ये रहा हादसा हुआ उसके साथ ही हमारा जो पिंजौर में जो पीएससी सेंटर है वहाँ पर सबको ले जाया गया, वहाँ से एम्बुलेंस के माध्यम से 6 सेक्टर में वहाँ पे ले जाया गया गवर्नमेंट हॉस्पिटल में और प्रशासन तभी तत्काल वहाँ पर पहुँचने का काम हुआ प्रशासन का और मैं लगातार सबको सांत्वना देते हुए उनका हौसला बढ़ाते हुए कि ये इसे दुख की घड़ी में जो कि बहुत ही दुख की घड़ी थी और कईयों को चोट भी आई और भगवान की दया से कोई ऐसा कोई इस तरह का सीरियस मामला नहीं हुआ और मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ अपने मंत्री असीम गोयल जी का, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, जिन्होंने एकदम सुनवाई की और तभी तत्काल से ड्राइवर को और कंडक्टर का एकदम सस्पेंड ऑर्डर निकाला और एक हाई कमेटी जो बनाने जा रहे हैं जिसके अंतर्गत ये जो लापरवाही हुई है कि बच्चे जो है वो मिनी बस थी जो हमारी सरकार के द्वारा चलाई गई और उसमें बच्चों की संख्या बहुत अधिक थी तो मैंने उनसे ये भी डिमांड की, उन्होंने ये बात मानी है कि इसी तरह की दो बसें वहाँ से चलाई जाएंगी जो बच्चों को सुविधाएं ना हो और स्कूल तक बच्चों के लिए जो सेवा वो दी जाएगी और मैं दोबारा पुनः अपनी देवी देवताओं का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आज ऐसे समय में हमारा बहुत हौसला अफजाई हुई है, सभी जो पेरेंट्स हैं उनको ही मैं इस तरह का कह के कि उन्होंने इस समय में बहुत अपने आप को संभाल के रखा, धन्यवाद।